सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्लस को और प्रेस कीजिए बेल आइकन इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस बार हम वीडियो में भारत की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस किस क्षेत्र में पाई जाती है तथा उसका आधार क्या क्या है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं भारत की मिट्टियाँ। किस देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है तो उस देश की मिट्टी उसका मुख्य आधार होता है। जैसे मिट्टी जब पाई जाएगी वैसी ही कृषि होगी। आगे बात करते हैं भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ये उत्तर भारत में पाई जाती है, यानी कि गंगा यमुना के मैदान में, गंगा ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु के मैदान में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तथा पुरानी जलोढ़, जो कि पहले जहाँ गंगा जी का पानी पहुँचता था, नई मिट्टियाँ पहुँचती थी, वो अब नहीं पहुँचती हैं वहाँ तक, तो वो हो जाती है बांगर मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है या कपास की मिट्टी भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, काली मिट्टी में किस फसल का सबसे अधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस मिट्टी में आयरन व सिल्का सबसे अधिक पाया जाता है? तो लैटराइट मिट्टी में आयरन व सिल्का सबसे अधिक पाया जाता है। आगे बात करते हैं चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लैटराइट मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में समस्त स्थल भागों में कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो 24% भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। जब लावा ठंडा हुआ तो इसमें परत दर परत बनती गई, तो ये हो गया काली मिट्टी का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से होता है। आगे बात करते हैं किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी की नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा ये खुद से जोती हुई भूमि भी कही जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लैटराइट मिट्टी में लोहे तथा एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। आगे बात करते हैं मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे बात करते हैं किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके सबसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। आगे बढ़ते हैं भारत में किस राज्य में अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में अंतर्देशीय लवणी भूमि है, इसे कच्छ करण भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लैटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो लैटराइट मिट्टी को अन्य नाम से मुखरैला मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं काली कपासी मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है।
लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक मालाबार तटीय प्रदेशों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करते हैं ग्रेनाइट और नाइट नाइस चट्टानों के द्वारा निर्मित किस मिट्टी का हुआ है? तो लाल लाल मिट्टी का ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानों द्वारा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस प्रकार की मिट्टी सबसे कम उर्वरक आवश्यक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि उसमें उर्वरक की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी में प्रायद्वीपीय भारत का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो काली मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्न किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्न नाम बांगर से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गंगा में जलोढ़ मिट्टी की सतह कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर तक नीचे पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लैटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कारक है? तो अपक्षालन एवं केशिका क्रिया द्वारा। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो लैटराइट मिट्टी जो है वो कठोर एवं गीली होने पे दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। आगे बात करते हैं मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान कहते हैं, पोटोलॉजी कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटता है। अब हम आइए देख लेते हैं मैप के द्वारा मिट्टी को समझ लेते हैं किन क्षेत्रों में पाई जाती है तथा इनका क्षेत्र कौन कौन सा है। तो मैप के थ्रू आप समझ लीजिए, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जो कि फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर एरिया में, आपका सिक्किम में, उसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश में भी आपकी क्या पाई जाती है? फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। आगे बात करते हैं एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का ये पूरा क्षेत्र है जो इस कलर से है, ये पूरा आपका जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, यानी कि उपजाऊ मिट्टी। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ये आपका ये पूरा क्षेत्र है, ये है कुछ भाग, और ये समुद्र के किनारे का लगभग पूरी भाग का किनारे का क्षेत्र, ये आपकी एलुवियल मिट्टी पाई जाती। रेड एंड येलो की बात करते हैं, तो रेड एंड येलो का ये पूरा जोन है। उसके बाद ब्लैक ब्लैक की बात करते हैं, तो ब्लैक का ये पूरा जोन है। थोड़ा बहुत और कहीं कुछ जगहों पे पाई जाती है। उसके बाद लैटराइट की हम बात करते हैं, तो लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र ये है, ये सब लैटराइट मिट्टी के कुछ क्षेत्र हैं। आगे हम बात करते हैं तो एराइड यानी कि ये रेगिस्तानी मिट्टी की बात करते हैं, तो ये है आपका। तो ये रहे भारत के भूमि में मिट्टी का डिवीज़न। आप इसको देख लीजिए मैप में, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर आप इसका रख सकते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।